और आज मैं बना रही हूँ बंस रोड की हलवा पूरी के लिए छोलों का सालन, जो कि हलवा पूरी के साथ पेश किया जाता है। अगर आप 1.5 कप चिक पीस ले रहे हैं तो इसमें 1/4 टीस्पून सोडा इसमें डालें और इसे सोक करके रखें तकरीबन 4 to 6 आवर्स के। फिर जब इसको बॉयल करें तो इसका पानी नहीं फेंकना है, उसी पानी के साथ इसे बॉयल करें। नमक डाल दें, सॉल्ट बहुत ज़रूरी है लेकिन थोड़ा डालें, जैसे 1/2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट डालें। इसको इतना बॉयल करना है कि ये चिक पीस जो है, छोले बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। आप इसको हाथ से मैश करके देखें तो बिल्कुल मैश हो जाएं। बंस रोड की हलवा पूरी में जो छोलों का सालन यूज होता है उसको बनाने के लिए हमें चाहिए चिक पीस, 1.5 कप चिक पीस। मैंने ये चिक पीस जो हैं सोक कर दिए थे सोडा डाल के तकरीबन 4 आवर्स के लिए, उसके बाद मैंने बॉईल कर लिए हैं इन्हें और ये बिल्कुल कम्प्लीटली सॉफ्ट बॉयल्ड हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज को पीस लिया है तकरीबन 2 स्मॉल ग्रीन चिलीज, 1/2 टीस्पून क्यूमन सीड्स, 1/2 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, सॉल्ट टू टेस्ट। तो अब कुकिंग शुरू करते हैं। ये अब पॉट गर्म हो चुका है और मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। जीरा ऐड कर दें। ये क्रश्ड रेड चिलीज, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, ये बहुत सिंपल तरीके से बनते हैं और बहुत मजे के बनते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 1 ग्लास पानी डाल दिया है। किसी भी ग्रीन चिलीज जो हैं वो भी ऐड कर दें। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब इसको कवर कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं ताकि थोड़े से और घुट जाएं, थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएं जो चिक पीस हैं। अब इसको देख लेते हैं, 2 to 3 मिनट और पकाएंगे फिर इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे जो छोले हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट हुए हुए हैं, बहुत अच्छे गले हुए हैं। छोलों को ज़्यादा चलाना नहीं चाहिए वरना ये घुट जाते हैं। अब ये बन चुके हैं तो इसका जो चूल्हा है वो बिल्कुल लो हीट पर कर दें। मैं अब इसको हटा देती हूँ। अब हमारे चनों का सालन तैयार हो चुका है। हमें जो है ऑयल चाहिए तो उसके लिए मैं तैयार कर रही हूँ बघार। उसके लिए ले रही हूँ मैं थोड़ा सा ऑयल और 1 टेबलस्पून घी और उसी के साथ स्वीट पेपरिका ले रही हूँ। स्वीट पेपरिका से ऑयल में जो है वो कलर भी आएगा और फ्लेवर भी आएगा। हमारा ये जो पैन है वो गर्म हो चुका है, इसमें ऑयल ऐड कर दें। और ये घी भी ऐड कर दें। और जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें पेपरिका ऐड कर देंगे। तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, टर्न ऑफ द हीट, क्योंकि हमें पेपरिका बर्न नहीं करनी है इसमें, हमें सिर्फ इस ऑयल को कलर देना है और फ्लेवर देना है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब इसमें पेपरिका ऐड कर देंगे। तो अब हमारा ये ऑयल जो है वो तैयार हो चुका है। आपने देखा होगा इंडिया या पाकिस्तान में जो लोग हलवा पूरी सेल कर रहे होते हैं उन्होंने इस तरह का ऑयल
बनाकर तैयार अपने पास रखा हुआ होता है। जैसे ही छोलों के सालन पर उनका ऑयल खत्म होता है, वो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो मैंने भी इस ऑयल को तैयार कर लिया है और इस ऑयल को छोलों के सालन के ऊपर गार्निश करूंगी। छोलों का सालन जो है वो दो तरह के बनते हैं, एक बिल्कुल बगैर ऑयल के बनता है जो बहुत सिंपल होता है, और एक ये इस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल का भी बनाया जाता है जिसमें थोड़ा सा ऑयल होता है। तो आज मैंने ये रेस्टोरेंट स्टाइल का बनाया है जो कि पराठों के साथ भी सर्व किया जा सकता है और पूरियों के साथ भी सर्व किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, और अगर आप ऑयल पसंद नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल ना डालें। तो ये हमारा मज़ेदार सा छोलों का सालन तैयार है। मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है, क्योंकि बंस रोट के छोलों जैसा मज़ा आना चाहिए जब हम इसे पूरियों के साथ सर्व कर रहे हों। तो आप भी इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे इसकी फीडबैक दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑनेस्ट कुकिंग। बाय फॉर नाउ।